so this is page number 60 and the letter name is s s s, s. and the sound is s. S. just like the shape of the letter s we will make the action snake okay so this is capital s and this is small s look and say.

Hmm, मुझे तो बहुत डर लगता है सो आई एम स्केयर्ड ऑफ स्नैक्स एंड यू नो आई एम ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स आर यू स्केयर्ड ऑफ़ स्पाइडर्स क्योंकि मुझे बहुत ही या, यकी लगती हैं और मुझे बहुत डर लगता है कि बहुत मुझे बहुत क्रीपी लगती है मुझे लगता है कि बॉडी के ऊपर आके कहीं चिपक जाएंगी क्या आपको इनसे डर लगता है सो वट इज़ इट इट्स अ स्पाइडर और आपको पता है कि स्पाइडर की भी एट लेग्स होती हैं और एट लेग्स किसकी होती हैं हमने पढ़ा था लेटर ओ में ऑक्टोपस की कितनी लेग्स होती है उसकी भी एट लेग्स होती हैं और ये स्पाइडर की भी देखें कितनी लेग्स एट एट एंड और आपको पता है स्पाइडर एक वेब बनाता है क्या बनाता है वेब बनाता है और वो और वो वेब ही इसका हाउस होता है और स्पाइडर इज एन इंसेक्ट स्पाइडर इज एन इंसेक्ट उसके बाद नीचे देखें देर इज अ बर्ड एंड वट इज द नेम ऑफ दिस बर्ड इट्स स्वान इज इट इट्स स्वान और आपको पता है कि स्वान की नेक काफी लंबी होती है ये पानी में भी रहता है और ये लैंड पे भी आ सकता है एंड व्हाट इज द कलर ऑफ द स्वान इट्स वाइट इट्स नॉट अ डक इट्स स्वान अब हम आगे देखते हैं देर इज अ गोल्डन स्टार सो वट इज कलर ऑफ द स्टार इट्स गोल्डन जो आपको अपनी टीचर से मिलता है और आप बहुत हैप्पी होते हैं गोल्डन स्टार लेने के बाद तो क्या आपने मुझसे गोल्डन स्टार लेना है अगर आप बहुत अच्छा अच्छा पढ़ेंगे और इन साउंड्स को इन वोकेबली वर्ड्स को याद रखेंगे तो आपको गोल्डन स्टार जरूर मिलेगा सो वट इज इट इट्स अ स्टार गोल्डन स्टार एंड स्टार मुझे यह बताएं कि डे टाइम में आपको स्काई पे क्या नजर आता है वी कैन सी सन ऑन द स्काई क्योंकि डे टाइम में जो लाइट होती है वो किसकी लाइट होती है वो होती है सन लाइट एंड सन लाइट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है देखिए जब विंटर्स में सन नहीं निकलता तो हम कितना ज़्यादा कोल्ड फील करते हैं हमें बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं लगता और बहुत ब्लरी ब्लरी सा डे होता है और जब सन आता है वी फील सो हैप्पी लेकिन समर्स में कभी कभी सन बहुत हॉट हो जाता है तो हमें गर्मी भी लगती है तो सन किससे स्टार्ट हो रहा है से स्टार्ट हो रहा है और एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है जब आप टॉयलेट में जाते हैं तो आप कैसे हैंड वॉश करते हैं सोप के साथ वी यूज द सोप टू वॉश द हैंड्स सो ऑल दीज वर्ड्स आर स्टार्टिंग विद साउंड चलिए इनको रिवाइज कर लेते हैं स्पाइडर एंड 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 स्टार सन स्नेल और आपको पता है सी साइड पे हमें कुछ स्नेल्स भी नजर आते हैं सो Snake and snail and C. Okay. Clap for yourself. Now, or letter S ki formation S. So I'm holding the letter card of letter S. This is capital S and how to write capital S? Show me your two fingers. So we will start from here and we will make a curved line and another curved line. So this is S capital S. And now I'm holding the card of small s. The formation is same, but the letter size is smaller. So, what you we are just going to make a curved line just like that. So, this is letter s. Now we are going to practice letter s in the sand tray. So, we are going to start from here and make a curved line just like that. And for we are going to make another curved line just like that so this is letter s, s. अब हम लेटर s को ट्रेस करने वाले हैं और राइट करने वाले हैं बुक के ऊपर से ट्रेस एंड राइट तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि लेटर s यानी स्मॉल लेटर s स्काई है ग्रास है या रूट लेटर है तो गौर से देखें जरा x को हमने लिखा है सेंटर टू लाइंस में दैट मींस इट्स अ ग्रास लेटर तो अब हम जल्दी से क्या करेंगे लेटर एस की ट्रेसिंग करेंगे हम इस डॉट पर रखेंगे अपनी पेंसिल को खर्व लाइन बनाएंगे ऑल द वे एंड वी विल कम डाउन हियर एंड वी विल कीप मेकिंग द कर्व लाइन एंड वी विल स्टॉप हियर। तो ये बन गया हमारा कैपिटल एस और इसी तरीके से हमने बनाना है स्मॉल एस खर्व लाइन को नीचे लेके आए और फिर उसको मज़ीद खर्व बना दें तो ये बन गया हमारा स्मॉल एस नाउ यू आर गोइंग टू ट्रेस एनअर लेटर एस तो हम जल्दी से क्या करेंगे इस डॉट पर पे रखेंगे पेंसिल को और इन डॉटेड लाइन को आपस में ज्वाइन करते जाएंगे और ये देखें ये बन गया हमारा एस इस डॉट पे रखेंगे पेंसिल को और ये बन गया हमारा स्मॉल एस तो अब हमने क्या करना है अब हमने करनी है इंडिपेंडेंट राइटिंग और इंडिपेंडेंट राइटिंग थोड़ी सी ट्रिकी होती है क्योंकि उसके लिए हमने अपने डॉट्स खुद लगाने हैं तो ये अगर फोर लाइंस हैं तो क्या इस डॉट पे हम पेंसिल को रखेंगे कर्व लाइन बनाएंगे नीचे लेके आएंगे और यहाँ से इसको कर्व बना देंगे ये हमारा बन गया कैपिटल एस अब इस डॉट पे पेंसिल रखें और ऐसे बनाएंगे हम कर्व लाइन ये बन गया हमारा स्मॉल एस एक बार फिर से कर लेते हैं नीचे रख के थोड़ा सा डॉट लगाएं ये डॉट भी थोड़ा सा नीचे रख के लगाएं और यहाँ से हम बनाएंगे खर्फ लाइन नीचे लेके आएंगे और इसको भी ऊपर ले जाएंगे खर्फ की फॉर्म में और ये बन गया हमारा स्मॉल एस नाउ वी हैव सम टीचिंग गाइडलाइंस तो टीचर्स ने बच्चों को करेक्ट लेटर नेम और करेक्ट साउंड बताना है और उसके साथ साथ आपने बच्चों को कुछ वकेबरी बतानी है और जो वकेब्ररी आपने बच्चों को देनी है आपने उनको एक्सप्लेन भी करना है और आप उनके लिए पिक्चर्स यानी फ्लैश कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद जब आप लेटर एस की फॉर्मेशन बताएं तो बच्चों से कहें कि वो लेटर एस को ट्रेस करें अपनी फिंगर के साथ एयर में टेबल के ऊपर डेस्क के ऊपर या किसी भी हार्ड सरफेस को यूज़ किया जा सकता है सेंट्रे का यूज़ भी हो सकता है उसके अलावा आप बच्चों की हेल्प करें कि वो लेटर एस की ट्रेसिंग और राइटिंग को कम्प्लीट करें सो दिस इज़ पेज नंबर सिक्सटी वन एंड वी आर गोइंग टू डू सम एक्टिविटीज़ द फर्स्ट वन इज से नेम्स ऑफ दिक्चर्स एंड मैच द फिक्चर स्टार्टिंग विद एस एंड ओके सो ये लेटर को देखें वॉट इज द नेम ऑफ दिसटर दिस इज एस और ओके अब आप ये देखें कि आपको यहाँ पे पिक्चर्स में क्या कुछ नजर आ रहा है जो हम मैच करने वाले हैं द फर्स्ट वन इज स्पाइडर स्पाइडर तो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू मैच द स्पाइडर विद लेटर एस Our next picture have we have star, a golden star. So we match the star. And the next picture is pear. So are we going to match the pear? And mm -hmm. next, thing, we have a rat, rat, and we have a rope, rope, and then we have swan, swan. That means we are going to match the swan with letter. एस so, सो आपने इस तरह से यह मैचिंग कंप्लीट करनी है अब हम चलते हैं और नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं हम किस को कलर करने वाले हैं वी आर गोइंग टू कलर द स्व तो so, मुझे जल्दी से बताएं कि हम स्वान में कौन सा कलर करेंगे hmm, क्योंकि स्वान तो ऑलरेडी वाइट होता है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे उसके फीट में थोड़ा सा पेंसिल से यानी लेड पेंसिल से शेड दे सकते हैं और आप उसकी बीक में थोड़ा सा शेड दे सकते हैं और स्वान बाकी वाइट ही रहेगा अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे सो दिस इज पेज नंबर सिक्सटी टू एंड अगेन वी आर हैविंग अ एडोम तो क्या आप पार्क में जाके सीसो पे बैठते हैं और इसको इंजॉय करते हैं मुझे तो सीसो पे बैठना बहुत अच्छा लगता था जब मैं पार्क में जाया करती थी तो अब हम क्या करने वाले हैं हम इस फॉर्म को लर्न करेंगे यू हैव टू लिसन टू मी वेरी केयरफुली और फिर आप मेरे साथ साथ भी सिंग करेंगे See bouncing up and down. See bouncing up and down. Happy faces all around. Happy faces all around. Round and round. Round and round. Merry go round. Merry go round. Round and round, round and round, the merry-go-round, the merry-go-round. Giggles and laughter's a joyful sound. Giggles and laughter, a joyful sound. Tiny feet in the sandbox play, tiny feet in the sandbox play. Building castles day by day, building castles day by day. Giggles and smiles, a happy team. giggles and smiles a happy team in the sunlight the golden beam in the sunlight the golden beam yay आप क्या करेंगे वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं और इसको एक बार फिर से सुन सकते हैं और आपने कोशिश करनी है कि आप इसको लर्न करें यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट ओके द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू फील व्हेन यू प्ले ऑन द सीसॉ I think you feel happy when you play on the seesaw so the next question is which swing is round look at the swings and tell me which swing is round so this one is round because the name of the swing is merry go round and it goes round and round <laughs> these students our so letter

सैन अब आप क्या करेंगे अब आप लेटर एस को रिवाइज़ करेंगे इसकी फॉर्मेशन की प्रैक्टिस करेंगे और एक्टिविटीज़ को भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके साथ साथ अब टाइम है आपकी होम एक्टिविटी का तो होम एक्टिविटी में आपने क्या करना है यू हैव टू बिल्ड योर ओन सैंड कैसल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़